أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو تو انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ تو بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل جوان ہو بلکہ ان دونوں کے مابین ہو۔ سو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے کر گزرو۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتلا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہے جو گہرے زرد رنگ کی ہے، دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہاں ہمیں بتلا دے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو۔ بلا شبہ گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ ہم اس مرتبہ راہ کو پہنچ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول کہ جو کبھی کام نہ کی ہو، نہ زمین کو جوتی ہو نہ کھیتی کو پانی دی ہو، مسلمت لا شیت فیہا صاف شفاف ہو، سالم ہو، جس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے ٹھیک بات بتلا دی۔ تو انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ ایسا کرنے والے تھے۔
और याद कीजिए उस वक्त को जबकि तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर तुम उस कत्ल का इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर थोपने लगे, जबकि अल्लाह उस चीज़ को ज़ाहिर करने वाला है जिसे तुम छुपाते हो। तो हमने कहा उसका एक हिस्सा लेकर मक्तूल के बाज़ हिस्से पर मारो, मक्तूल पर उसके कुछ हिस्से से मारो, इसी तरह अल्लाह मुर्दे को ज़िंदा कर देता है और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखलाता है ताकि तुम समझो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 67 से लेकर आयत नंबर 73 तक आप हजरात के सामने पढ़ी गई, और कसीर आयत इसलिए हो गई कि चूँकि एक ही वाक़या है तो इन आयत में बयान किया गया है। वाक़या यूँ पेश आया कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम आमील था, उसको किसी ने कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद उसकी नाश ले जा कर के ऐसे लोगों के दरमियान डाल दी कि जो नेक सालेह थे, और कत्ल का इल्ज़ाम उनके ऊपर डाल दिया। अब वो लोग परेशान कि हमने कत्ल नहीं किया है, और वो कसम खाते थे लेकिन ये शख्स मानने वाला ना था। मसला ये था कि ये जो आमील शख्स मक्तूल हुआ जिसे कत्ल किया गया, ये मालदार आदमी था और इसको कोई नरीना औलाद न थी, सिर्फ़ एक बच्ची थी और एक भतीजा इसका था और काफ़ी मालदार था। भतीजे ने इंतज़ार किया कि चचा जान का जल्दी से इंतकाल हो जाए ताकि मैं इनकी जायदाद पर काबिज़ हो जाऊं, लेकिन उसका इंतज़ार तवील तर होता गया और बिलाखिर इसने सोचा कि अब चचा आज जाएं कि कल, कौन इंतज़ार करता है। और अरबी का मक़ूला अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत, इंतज़ार मौत से ज़्यादा सख्त होता है। किसी का आप इंतज़ार करें 5 मिनट तो 5 मिनट 1 घंटे के बराबर हो जाएगा, तो इंतज़ार मौत से ज़्यादा सख्त होता है। ये अरबी में कहा जाता है अल इंतज़ारु अशद्दु मिनल मौत। तो उससे रहा ना गया और उसने ये प्लानिंग की चचा जान को कत्ल कर देते हैं और फिर इसका इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देंगे, तो इसका 3 फ़ायदा मुझे होगा। एक तो उनकी लड़की है उससे शादी कर लेंगे, दूसरे उनकी जायदाद पर काबिज़ हो जाएंगे, और तीसरे इसका इल्ज़ाम जिन लोगों पर डालेंगे उनसे दियत भी वसूल करेंगे। बहुत लंबे चक्कर में था, बहुत लंबा जो कहते हैं ना कि वो पुलाव उसने बनाया था, बहुत लंबा पुलाव बना दिया। और फिर उसने यूं ही किया कि शाम के वक्त जब कोई न था अपने चचा को कत्ल किया, और बनी इसराइल के अंदर 2 पार्टीशन हो गया था, जैसा कि इससे पहले भी आपके सामने बयान आ चुका है कि जो उसमें अल्लाह वाले थे, नेक सालेह लोग थे, तो उन्होंने अपने आप को बुरे लोगों से अलग थलग कर लिया था, और वो लोग एक किले के अंदर रहते थे और अपने दरवाज़े को रात भर बंद रखते थे, पहरादारी करते थे कि कोई उसमें से जो लोग गुनहगार हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले हैं, वो इस इधर ना आ पाएँ, कहीं उनका वबाल मेरे ऊपर ना हो जाए। तो इसलिए बिल्कुल अलग थलग रहते थे। और ये आमील जो कत्ल हुआ था, इसका जो भतीजा, वो इधर वालों में से था, शरारत करने वालों में से था। और उसने कत्ल किया, कत्ल करने के बाद रात में सब लोग सो रहे थे, उसकी उनकी नाश को ले जा कर के और उस किले में डाल दिया। अब सुबह हुई तो फिर इसने खुद तलाशना शुरू किया, हमारे चचा कहाँ गए, हमारे चचा कहाँ गए। और फिर जब नाश वहाँ मिली तो फिर इसने कहा कि भाई अब तो तुमको दियत देना पड़ेगा, सब लोगों को दियत देना पड़ेगा, हमारे चचा को तुमने कत्ल कर दिया। अब वो लोग हक्का बक्का, भाई हमने कहाँ कत्ल किया, हम तो इसी वजह से बचने के लिए इन चीज़ों से तुम लोगों से अलग हो गए थे, और फिर ये बवाल हमारे सर आ गया।
खैर वो लोग बहुत परेशान हुए, सब मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी बात है कि हमारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है जबकि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कसम भी उन लोगों ने खाई, सब लोगों ने कसम खाई कि हमने बिल्कुल हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, और वो शख्स इल्ज़ाम धर रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि आप अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि हमारे लिए कोई रास्ता निकाल दे और कातिल का पता चल जाए, कि मालूम चल जाए कौन कातिल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक बैल को ज़बह करो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह कहा तो उन्होंने कहा, क़ालू अतत्तखिदुना हुज़ुआ, क्या आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, यानी हम तो आपसे कातिल का नाम पूछ रहे हैं और आप हमसे कह रहे हैं कि बैल ज़बह करो, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। अच्छा, इसमें हिकमत क्या थी कि अल्लाह चाहता तो फौरन नाम बता देता कि वही आमिल का चचा है, फौरन नाम बता देता, लेकिन हिकमत क्या थी इसके अंदर? अगर फौरन नाम बता देता तो बहुत से उसमें इनकार कर देते, जैसे इससे पहले कर चुके हैं, हम कैसे माने अल्लाह ताला हमको बताएं, फिर अल्लाह ताला बताते तो कहते हम अल्लाह को देखें, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि गाय की मोहब्बत इनके दिलों के अंदर सरायत की हुई थी, चुनाचे इससे पहले वाक़ आया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को हितूर पर गए 70 लोगों को ले करके, तो इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। सामरी नाम का एक शख्स था, उसके दिमाग में ये बात आई और उसने बछड़े को बनाया और उसके मुंह के अंदर वो मिट्टी लगाई जो जिब्रील अलैहिस्सलाम के सवारी के नीचे से लिया था, और उसको लगाया और वो बोलने लगा और लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। तो उनके दिलों के अंदर बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी, इस मोहब्बत को निकालना मकसूद था, और वो कब निकलती, जबकि उसी चीज़ को ये अपने हाथों से ज़बह करते। और भी क्या क्या मसले आते हैं वो तो अल्लाह ही जानने वाला है, हमारी अकल वहाँ तक कहाँ पहुँच सकती है। बाहर कैफ ये हुक्म हुआ तो उन्होंने कहा, क़ालू अतत्तखिदूना हुज़ुआ, उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। क्या मतलब? जब मसअले शरईया पेश नज़र हो उस वक्त अगर कोई मजाक करता है तो वो शख्स जाहिलों में से। बहुत से मुसलमानों को देखा गया है, शरीयत का मसला बयान किया जा रहा होता है और वो मजाक में लेते हैं, ये मजाक में लेने वाली चीज़ नहीं, बहुत सीरियसली चीज़ है। निकाह के मौके पर अक्सर जब मैं निकाह पढ़ाता हूँ तो 10 मिनट बात करता हूँ। बहुत से नौजवानों को देखा जाता है सेल्फ़ी ले रहे होते हैं, कुछ दुल्हे के पास उसके यार होते हैं तो वो कहते हैं अभी इधर देख, वो ले रहे होते हैं। ये लाइटली लेने वाली चीज़ नहीं है, बहुत सीरियसली लेने वाली चीज़ है। यहीं से आपकी नई ज़िंदगी का आगाज़ हो रहा है और इसको आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हल्के में ले रहे हैं। खुतबा जो पढ़ा जाता है उस खुतबे का सुनना ऐसे ही वाजिब है जैसे जुमा के खुतबे का और ईदैन के खुतबे का सुनना वाजिब है, निकाह के खुतबे का सुनना भी इसी तरह वाजिब। कितने लोग होते हैं जो खुतबे को सुनते हैं? शरई मसला जब बयान किया जाए तो उस वक्त मजाक करना, ठट्ठा करना, हंसी करना, इस्तेहजा करना, ये जाहिलों का काम, गवार लोगों का काम। जिसके दिल के अंदर ज़रा सा भी ईमान है, अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत है, वो कभी ऐसा काम नहीं कर सकता है। तो एक बात यहाँ से ये समझ में आए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आऊज़ु बिल्लाह अन अकूना मिनल जाहिलीन, यानी तुम मुझसे एक शरीयत का मसला दरियाफ्त कर रहे हो और मैं तुमसे ऐसे मौके पर कोई ऐसी बात कैसे कर सकता हूँ कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ, मैं मजाक क्यों करूँगा तुमसे। अच्छा, वो भी इतने शरारत थे, शरीर थे, लेकिन उन्होंने जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो फौरन वो सीरियस हो गए, यहूदी सीरियस हो गए और फौरन कहा कि नहीं ठीक है, ठीक, अल्लाह ताला जब हुक्म देता है कि गाय को ज़बह करो ठीक। फिर उन्होंने कहा, दूसरा सवाल, قَالُوا دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِي, उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए अपने रब से कि वो बताए कि वो कैसी गाय हो। इसी पर एक हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
कि अगर बनी इसराइल अगर मूसा अलैहिस्सलाम की पहली बात पर अमल कर लेते कि जब उन्होंने कहा था इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कोई भी गाय उठा कर के लाते और ज़बह कर देते तो मकसद हासिल हो जाता, इतना परेशान न होना पड़ता। लेकिन बार बार सवाल करना और सवाल में शिक़े निकालना, इसने उन्हें उलझा दिया। और जैसे उन्होंने सवाल, चूँकि पहले वो लगता ना था कि ज़बह करने वाले थे, इसलिए तरह तरह का सवाल कर रहे थे, तो सख्ती बढ़ती चली गई। और फिर आखिर में क्या हुआ, अभी आपके सामने आता है। तो इससे ये पता चला कि जब कोई भी मसला पूछा जाए तो उसमें शिकों पर शिकें ना निकाली जाएं। हाँ, अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो अमल करने की नीयत से पूछा जाए, शरारत पेशे नज़र ना। शरारत मतलब अमल नहीं करना है फिर भी पूछ रहे हैं। अक्सर ज़हनियत ये बन चुकी है आवाम की कि अमल नहीं करना लेकिन फिर मसला पूछते हैं इम्तिहान के लिए, जांचने के लिए। तो अगर मुझे पता चल जाता तो मैं जवाब ही नहीं देता। एक साहब का मेरे पास फ़ोन आया, वो हदीस पढ़ी जा रही थी मस्जिद में, तो उसके अंदर दो साहब उलझ गए, एक डॉक्टर साहब थे एक मास्टर साहब थे, दोनों उलझ गए उसके ऊपर। वो एक मतलब बयान कर रहे हैं, दूसरे दूसरा मतलब बयान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि चलते हैं पूछ लेते हैं। तो फ़ोन आया कि हम लोग आना चाहते हैं। मैंने कहा मकसद क्या है आने का? तो कहें एक हदीस के बारे में सवाल करना है। तो मैंने कहा अमल करना मकसद है या जांचना मकसद है? तो उन्होंने कहा नहीं, अमल करना मकसद है। उन्होंने कहा अगर जांचना मकसद है तो फिर ना आइए, इसलिए जब जांचना मकसद है तो आप लोग जाँच ही बैठ करके, फिर हमारे पास क्यों आएंगे? अगर अमल करना मकसूद है, इस्लाह मकसूद है, तो फिर आप आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम डॉक्टर साहब से पहले कंसल्ट कर लेते हैं। उनके कंसल्ट कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि हमने ऐसा ऐसा कहा है कि अगर इब्तला मकसूद है, इम्तिहान मकसूद है, तो फिर तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर इस्लाह मकसूद है, बरा इस्लाह पूछना चाहते हैं, तो जो मैंने कुछ पढ़ा है अपने अकाबरीन से सीखा है, कुछ किताबें मैंने पढ़ी हैं अहादीस की रोशनी, उसका जब मैं जवाब दूंगा। तो उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग समझना चाहते हैं। तो फिर वो हमारे पास आए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तशरीह की, दोनों मुतमईन हो गए। तो होना ये चाहिए था। मकसद क्या होना चाहिए? कोई चीज़ समझ में ना आए तो इस्लाह के मकसद से हम पूछें, शरारत मकसूद ना। बहुत से लोग शरारत की नीयत से पूछते हैं तो फिर वहाँ पर इस्लाह कभी नहीं होती। आप एक जवाब नहीं 10 जवाब भी दे दें लेकिन इस्लाह नहीं होती है और शरारत बढ़ती चली जाती है। तो एक चीज़ तो ये पेशे नज़र रखें और सख्ती भी बढ़ती है। तो यहाँ पर जो पहला सवाल किया उन्होंने, मकसूद क्या था? मकसूद ये था कि हम लोगों को ज़बह ही ना करना पड़े। वरना तो जो आम अरबी जानने वाला है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना साफ़ कहा इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तज़बहू बकरा, बकरा नकरा, जिसको हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। इंग्लिश के अंदर कॉमन नाउन होता है, एक प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है। कॉमन किसे कहते हैं? कॉमन हर एक को शामिल होता है। जैसे मैन, मैन मीन्स आदमी। अब हम हर आदमी के ऊपर मैन बोला जा सकता है, लेकिन प्रॉपर नाउन वो होता है कि जो मारिफा होता है, द मैन, कोई ख़ास आदमी है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ अल बकरा नहीं कहा। अरबी में जब मारिफा बनाना होता है तो इस पर अलिफ लाम को दाखिल किया जाता है, अल बकरा। और जब किसी चीज़ को उसकी नकारत को बताना होता है, आम कोई भी, तो फिर अलिफ लाम को हटा करके बकरा बोल दिया। कोई भी गाय ज़बह कर, किसी को भी उठा करके ला के ज़बह कर देते, मकसूद हासिल हो जाता। लेकिन उन्होंने इसके अंदर फिर सवाल पर सवाल निकालना शुरू किया और फिर सवाल किया, قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي, हमारे अपने रब से हमारे लिए दुआ कीजिए कि वो किस किस्म की गाय हो, कैसी गाय हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा, और सख्ती बढ़ गई, कहा इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन ला फारिदु वला बिक्र। अल्लाह फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय हो कि ना तो बिल्कुल बूढ़ी हो और ना ही बिल्कुल कुंवारी और जवान हो, बल्कि दोनों के दरमियान अधेड़ उम्र की हो, आवानुम बैन दालिक, इसके बीच बीच में हो। फ़अलू मा तुमरून, फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब जाओ और जा कर के जो हुक्म दिया गया है उसे कर गुज़रो। इस पर भी अगर वो अमल कर लेते तो ठीक था, लेकिन फिर सवाल किया।
قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا, हमारे लिए दुआ कीजिए अपने रब से कि हमें बताए कि वो क्या उसका रंग कैसा हो। कोई भी रंग की ला देते भाई, अल्लाह ने तो ये नहीं कहा कि इस रंग की लाओ, कहा नहीं उसका रंग कैसा हो ये बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह से दुआ किया, इन्नहु यकूलु इन्नहा बकरतुन सफरा, कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय हो जो जर्द रंग की हो, फाकिउल लौनुहा, और गहरे जर्द रंग की हो, ऐसा गहरा जर्द रंग हो कि दूर से देखें तो स्याह नज़र आए। जब गहरा जर्द रंग होता है तो एक लम्हा के अंदर वो स्याह नज़र आता है, लेकिन वो गहरा जर्द रंग होता है, हल्का नहीं होता है। फाकिउल लौनुहा, उसका रंग इंतहाई गहरा हो, तसुरुन नाज़रीन, और जो देखने वालों को खुश कर दें, चम चम करता हुआ, चम चमकता हुआ, बिल्कुल जर्द रंग की गाय। फिर उन्होंने कहा قَالُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ, اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کس قسم کی گائے ہو۔ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا, گائے تو ہمارے لیے شبہ, ہم کو بڑا شبہ ہو گیا ہے گائے کے بارے میں, ہم پر گائے متشابہ ہو گئی ہے کہ وہ کیسی گائے ہو۔ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور بلا شبہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس مرتبہ راہ کو پہنچ جائیں گے, راہ راست کو پہنچ جائیں گے, یعنی اس گائے کو پالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے اس مرتبہ تو قیامت تک اس گائے کو تلاش نہ کر پاتے۔ یہ کتنی بڑی چیز ہے مسلمانوں کہ ہم لوگ اپنے جو اکثر جملے ہیں اس کے اندر سے انشاءاللہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہو, کل میں آؤں گا انشاءاللہ, فوراً انشاءاللہ کہاں کریں, بھئی انشاءاللہ میں ضرور کر دوں گا انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے سورۃ الکہف کی آیت ہے, انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ, کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوالات کیے, کہا کہ روح کے بارے میں بتائیے روح کیا ہوتی ہے, دوسرا سوال کیا کہف کے بارے میں بتائیے, جو اصحاب کہف کا پورا واقعہ 15ویں پارے میں آیا ہے, کہا کہ کہف کے بارے میں بتائیے کہف اور اصحاب کہف کیا تھے, اور تیسرا سوال ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہ آپ ذرا ان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کل بتا دیں گے, کہ جبریل علیہ السلام آتے رہتے تھے, وہی آتی رہتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی آئیں گے میں ان سے پوچھ کر کے بتا دوں گا, انشاءاللہ نہیں کہا, وہی آنا بند, وہی نہیں آئی دوسرے دن۔ اب کفار پہنچے, ہاں تو ہم نے کل سوال کیا تھا بتائیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ کہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے, نہ پوچھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب ان کو موقع ملا مذاق اڑانے کا, یار دیکھو جواب ہی نہیں ہے جواب ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرے دن آئے, پھر جبریل علیہ السلام نہیں آئے, کئی دن تک نہیں آئے جبریل علیہ السلام, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ دور بہت شاخ گزرا, اور جب آئے تو یہ آیت سورہ کہف کی نازل ہوئی, انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ ولا تقول, اے نبی آپ نہ کہا کریں کہ میں یہ کل کر دوں گا, انی فاعل ذلک غدا, میں یہ کام کل کر دوں گا, الا ان یشاء اللہ, مگر انشاءاللہ کہا کریں۔ نبی کو تاکید کی جا رہی ہے, ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں, اس لیے اپنے کلام کا جز بنائیں انشاءاللہ۔ اور پھر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بنی اسرائیل اس سوال پر انشاءاللہ نہ کہتے تو قیامت تک اس گائے کو تلاش نہ کر پاتے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے اس جملے کی مسلمان, اور اس سے کتنا فائدہ ہے تو جب آپ فقہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا, اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور انشاءاللہ کہہ دیا تو طلاق نہیں واقع ہوگی, اور بہت سے فائدے ہیں۔ اگر خالی انشاءاللہ پر فوائد بیان کیے جائیں تو ایک گھنٹہ خالی یہی بات چلے۔ اللہ رب العزت نے جو بھی حکم دیا ہے اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہے, آخرت کا بھی فائدہ ہے, آخرت کو تو فائدہ ہے ہی, دنیا کا بھی فائدہ ہمارا اس کے اندر پوشیدہ ہے, اور اتنے فوائد ہیں کہ ہم اور آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر آمنا و صدقنا کہہ کر کے عمل شروع کر دیں۔
इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा हो। तो नियत करें इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह को अपने कलाम का हम जुज़ बनाएंगे, और फिर आपकी पकड़ भी नहीं होगी। अब कोई भाई आपसे कहता है कि कल दावत है आइएगा, कहिए इंशाअल्लाह, फंस गए नहीं जा सके, आपकी पकड़ नहीं होगी। इंशाअल्लाह आपने कह दिया तो आपकी पकड़ नहीं होगी, ना आप गुनहगार होंगे। बहुत से फ़वाद इसके, आप इंशाअल्लाह हर चीज़ में कहा करें, हर जुमले के अंदर इंशाअल्लाह। आपके अहलिया ने कहा कि आप जा रहे हैं तो ज़रा ये लेते आइएगा इंशाअल्लाह, हम नहीं लेकर के आए, कहा भैया इंशाअल्लाह तो कहे थे ना, इंशाअल्लाह आपने कहा, तो आपकी दुनिया के एतबार से भी पकड़ नहीं, आखिरत के एतबार से भी पकड़ नहीं। समझ में आया? और बहुत सारे अहकाम के अंदर, जैसा कि मैंने तलाक का मसला बताया कि अगर किसी ने अपनी बीवी को तलाक दिया और फौरन इंशाअल्लाह कह दिया, तलाक वाकई नहीं होगी। हर आए दिन जो है तलाक के मसले नौजवान पूछते हैं, जोश में आकर के तलाक दे देते हैं और इंशाअल्लाह नहीं कहते। मगर अल्लाह के बंदो, अगर इंशाअल्लाह कहते तो आज ये दिन ना आते। तो इसलिए इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हाँ, तो भाई इस मरतबा उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह इस मरतबा हम लोग राह रास को पहुँच जाएंगे। قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث। मूसा अलैहि सलाम ने कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसी गाय हो, ला ذلول, ذلول जो है अरबी का लफ्ज़ है, इसका माने आते हैं कि वो किसी, उसने कभी कोई काम न किया हो, बड़े नाज के साथ, बड़े दुलार के साथ, बड़े अंदाज के साथ उसे पाला गया, ऐसे बादशाह के घर में शहजादे की परवरिश होती है। ذلول, उससे कोई काम न लिया गया, تثير الارض, ना तो उसने जो है ज़मीन जोता हो, वला तस्किल हर्स, ना ही खेत में उस तक पानी पहुँचाया हो। मुसल्लमतुल्ला शिया तफ़ीहा, बिल्कुल साफ शफाफ, कोई दाग उसके ऊपर ना हो, गहरे जर्द रंग की सर से पैर तक। अब ये सब ढूंढने निकले, उन्होंने कहा कालुल आना चीत बिल हक, अब आपने ठीक बात बताई है, अब जा कर के सही बात बताई है, अब हम लोग जा रहे हैं। फ़ज़ा बहू हवा मकादू या फालू, अब ये जब तलाश करने के लिए निकले तो अब देखें, वालिदैन की इताअत, जितने नौजवान बच्चे यहाँ पर बैठे हुए वो सुने, वालिदैन की इताअत का अल्लाह क्या सिला अता फरमाते हैं। आखिरत में तो जो मिलना है मिलेगा, दुनिया के अंदर अल्लाह अता फरमाते हैं। तो एक बच्चा था, वो अपने अब्बा का और अपने अम्मा, अपने वालिदैन का बहुत फरमाबरदार बच्चा, कोई बात उनसे पूछे बगैर नहीं करता। अब्बा ने नहीं कहा तो नहीं करना है, अब्बा से पूछेंगे तब करेंगे। तो अब्बा सो रहे थे दोपहर में, अपने घर पर था, एक ताजिर आया और हीरा फरोख्त कर रहा था, हीरा। बच्चे को बहुत अच्छा लगा, कहा कि मैं ये हीरा खरीदूंगा। कहा कितने का है? कहा 70,000 का। कहा ठीक है, आप यहाँ इंतज़ार कीजिए, हमारे अब्बा जान सो रहे हैं और जो वो क्या है तिजोरी, उसकी चाबी अब्बा के पास है, और जब अब्बा उठेंगे तभी जा कर के तिजोरी की चाबी हमको देंगे, और अब्बा की इजाज़त से हम तुमको पैसा देंगे। तो उसने कहा यार कौन जाएगा इंतज़ार करने, अब्बा अभी उठे हैं, घंटे बाद उठे, हमको आगे जाना है। ऐसा करो तुम 10,000 कम, 60,000 दे दो, जाओ चुपके से चाबी निकाल लो, क्या करना, अब्बा तो सो रहे हैं, खोल के हमको दे दो, अब उठेंगे बता देना। उसने कहा कि तुम 10,000 कम ना करो, हम 10,000 बढ़ा दे रहे हैं, 70,000 है ना, 80,000 ले लेना, अब्बा को उठ जाने दो तब। अब और वो और 10,000 कम किया, कहना ऐसा है कि तुम हमको 50,000 दो, चलो लेकिन जल्दी करो, हमको जाना है। कहा कि चलो तुम 80,000 ले, 90,000 हम तुमको देंगे, लेकिन अब्बा उठेंगे तब। फिर उसने 10,000 हत्ता कि 30,000 पर आ गया, और ये 1,00,000 तक पहुंच गया। कहा कि 1,00,000 देंगे लेकिन अब्बा उठेंगे तब। अब वो जब 30,000 पर देखा कि नहीं ले रहा है तो उसको बड़ा गुस्सा आया, कहा कि रहने दो मुझे, तुम्हें नहीं बेचना, और लेकर के चला गया। अब उसके अब्बा जब उठते हैं तो उसने सारा वाकया बयान किया, उसके अब्बा के दिल से दुआ निकली, मेरा बेटा इतना इताशार कि मेरी इजाज़त के बगैर इसने ये काम नहीं किया, कर सकता था, बालिग था, बाशऊर था, लेकिन उसने नहीं किया।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यादा इतनी पसंद आई कि उसके अब्बा का इंतकाल हो गया, लेकिन उसको एक गाय अल्लाह ने ऐसी आता फरमाई कि वो गाय आज बनी इसराइल जिसको तलाश करते करते इसके घर पहुँचे, और वो ऐसी गाय थी कि जिसको ना कभी हल में जोता गया था ना कभी उससे कोई खिदमत ली गई थी, बिल्कुल जर्द रंग की गाय। और जैसी वो लोग तलाश कर रहे थे, जो सिफात बताई गई थी वो सारी सिफात इस गाय के अंदर पाई जा रही थी। उन लोगों की जब नज़र पड़ी, कई दिन से तलाश कर रहे थे, कहा अरे ये तो गाय मिली, बहुत बहुत फौरन गए, भाई किसकी गाय है? कहा मेरी गाय है। कहा कि हमको दे दो, दो गाय हमसे ले लो। कहा कि नहीं। कहा तीन गाय ले लो। कहा नहीं। कहा चार गाय ले लो। कहा नहीं। हत्ता कि 10 गाय देने पर तैयार हो गए, लेकिन उस बच्चे ने कहा कि हम नहीं देंगे भाई, 10 गाय में भी नहीं देंगे। अब ये लोग नाराज़ हो गए, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो बच्चा जो मांगे वो जा कर के दो, और वो गाय लेकर के आए। पूछा क्या चाहिए? कहा कि इस गाय की खाल के बकदर सोना। मरते क्या ना करते, आखिर गाय के खाल के बकदर सोने पर उस गाय की उजड़ते हैं। और ख़रीदा उन्होंने। अल्लाह ने ये नकद सिला दुनिया के अंदर आता फरमाया, इसलिए जो बच्चे हैं अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, तो उनसे दरख्वास्त है कि अल्लाह दुनिया के अंदर भी आपको सिला आता फरमाएंगे, और आखिरत में जो आता फरमाएंगे वो तो फरमाएंगे। और फिर जब वहाँ पहुँचे लेकर के, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था इज़रिबूहू बिबादिहा, उसका एक हिस्सा ले करके जो मक्तूल है उसको टच करोगे तो वो फौरन उठ करके बोल देगा। अब इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा हिस्सा टच किया गया, ये एक पूरी लंबी बहस है, और ना इसका कोई फ़ायदा है। अरे भाई अल्लाह का हुक्म था, कोई भी हिस्सा टच कर दिया गया। अब लिखने वालों ने, किसी ने लिखा है कि वो ज़ुबान का गोश्त था, तो किसी ने लिखा है कि दुम का था, तो किसी ने लिखा है कि वो दोशानों के बीच का था। तो भाई हम कह रहे हैं उसमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, भाई कोई भी हिस्सा था, अल्लाह का हुक्म था, उसको जब टच किया गया तो वो मक्तूल जो था वो उठ करके बैठ गया, और उसने कहा कि मुझे मेरे भतीजे ने कत्ल किया है, और इस वजह से कत्ल किया है ताकि मुझे मार करके मेरी बच्ची से शादी कर ले और मेरी जायदाद पर काबिज़ हो जाए, और इतना बोला और उसके बाद इंतकाल हो गया। अब मक्तूल की बात को फौरन मान लिया सब लोगों ने, बनी इसराइल ने। अब ये अगर अल्लाह ताला कहते कि फला बंदा है तो उतनी जल्दी ना मानते, ये भी हिकमत थी इसके अंदर। फौरन सब ने मान लिया कि हाँ हाँ, और उसको पकड़ लिया गया, और उसको पकड़ने के बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया, जो उसका भतीजा था उसे भी कत्ल कर दिया गया। और फिर इसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बास बादल मौत, यानी मरने के बाद दोबारा उठाया जाना जो एक अकीदा है, इसको भी अल्लाह ने साबित किया, और ये बतलाया कि देखो जैसे इस मुर्दे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी बख्शी है और तुम लोगों के सामने अल्लाह ने ज़िंदा किया, यही अल्लाह मरने के बाद दोबारा कल क़यामत के दिन तुम्हें ज़िंदा करेगा। इतने फ़वाद इससे हासिल हुए। फरमाया वइद क़त्लतुम नफ्सन फद्दारअतुम फ़ीहा, और जब तुमने कत्ल किया एक शख्स को, फिर उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर धरने लगे, फद्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुखरिजुन बताने वाला था, निकालने वाला था, जाहिर करने वाला था उस चीज़ को जिसे तुम छुपा रहे थे। चुनांचे अगर 7 कमरों के अंदर भी कोई छुप करके कोई अमल करे तो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जाहिर कर देगा। वो अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। वकुलन ضربوه ببعضها, तो हमने कहा कि उसके बाद हिस्से को मक्तूल पर मारो, तो फिर उन्होंने मारा और वो ज़िंदा हुआ, और उसने ये बात बयान फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं कदालिका युहयिल्लाहुल मौता, इसी तरह अल्लाह ताला मुर्दे को ज़िंदा फरमाएंगे। व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम ताकिलून, और अल्लाह ताला तुम्हें उस अपनी निशानियां दिखलाता है, लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम समझो और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आओ। ये एक वाक़िया था, इस वाक़िए के अंदर बड़ी हिकमतें हैं और बड़ी मसलहतें हैं जो आपके सामने बताई गईं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको क़ुरान करीम के अहकाम पर अमल करने और इसके पैगाम को पूरे आलम में पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला